नमस्कार, स्वागत है आपका N20 लाइव में। हम पहुंचे हुए हैं जीरादेई प्रखंड के छोटका माझा पंचायत में और माहौल ऐसा बना हुआ है कि अभी 10 चरणों का चुनाव बीतने वाला है। आगामी 8 तारीख को कल इलेक्शन होगा, कई ब्लॉक में, महाराजगंज ब्लॉक, कई जगह होगा। लेकिन हम जहां पहुंचे हैं यहां पे इलेक्शन 12 तारीख को है और 12 तारीख के लिए प्रत्याशियों का कैसा तैयारी चल रहा है, लोगों से कैसे जनसंपर्क कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं साथ में, बात करेंगे एक एक करके। बीते 5 सालों पर नज़र डालेंगे, आने वाले 12 तारीख के लिए कैसी तैयारी, उन सब पे नज़र डालेंगे। लेकिन आपको बता दें, जो प्रत्याशी हमारे साथ महिला कोटा है माला देवी जी और उनके पति हमारे साथ बैठे हैं मृत्युंजय सिंह जी, तो मृत्युंजय जी से बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में, क्या माहौल चल रहा है बताएंगे। सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और छोटका माझा पंचायत के तहे दिल से नमस्कार। पंचायत में जो चुनाव का माहौल चल रहा है वह माला सिंह जी के पक्ष में चल रहा है। हर एक जाति धर्म के लोग माला सिंह के साथ और माला सिंह के सपोर्ट में हैं और विकास पंचायत में जो वर्तमान मुखिया रहे, पहले के भी मुखिया रहे, पूर्व में कोई ऐसा कार्य नहीं किए। अंग्रेजों के जमाना से आज तक छोटका माझा गांव में पीच का रोड नहीं था और लंबी कतार का पीसीसी नहीं था, लेकिन सांसद कोटा से सांसद प्रतिनिधि होने के नाते 4 किलोमीटर का लंबी रोड जो है प्रधानमंत्री योजना का कार्य अभी भी चल रहा है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि माला सिंह काफ़ी मात्रा में चुनाव जीतेंगे और जनता भी जो है वो उनके पक्ष में हृदय से है। विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। बात करते हैं अगर विकास की, बात करते हैं हर काम की, तो बात आता है बीते 5 सालों की। तो 5 सालों में जो भी आपने व्याख्या किया, अभी MP कोटा से सड़क बनाए, क्या क्या हुआ, लेकिन हम डालेंगे एक नज़र वर्तमान मुखिया पे, कितना काम हुआ है थोड़ा सा बताइए। देखिए, पहले तो किसी प्रतिनिधि का बुराई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो धरातल पर दिखता है उसको जोरदार से उठाना चाहिए। आज तक मुखिया जी छोटका माझा गांव में एक PCC भी नहीं किए हैं और अभी हमारे हरजन बस्ती है उसमें एक PCC का रोड था, उसका भी पैसा मुखिया जी उठा लिए हैं और 64 इनार और चौतरा का भी पैसा उन्होंने उठा लिया है और कोई विकास नहीं किए हैं। और आपको मैं बता दे रहा हूं कि हरजन बस्ती में जो वार्ड है वो गरीब व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे साइन करवाकर PCC का पैसा भी मुखिया जी उठा लिए हैं और कोई कार्य नहीं किया, उनका कहीं PCC और रोड नहीं है। ये मठिया पर आप बैठ आए हैं, ये मठिया पर नज़र उठा के देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना जल नल, उनका हर एक जगह जल नल पहुँचना चाहिए। ये तो गांव में घूमने के बाद विकास दिखाएंगे आपको, लेकिन जानते हैं अभी सब मुद्दों को छोड़ के आगामी 12 तारीख को जब इलेक्शन होगा आपका क्या संदेश रहेगा छोटका माझा के पंचायत के जनता के लिए। देखिए, माँ छोटका माझा पंचायत के जनता से हाथ जोड़ के निहोरा है कि यह दलाल प्रवृत्ति के लोगों को प्रतिनिधि न बनाइए और विकास का गंगा जो बहाने के लिए, जो निर्मल पंचायत बनाने के लिए संकल्प लिया है माला सिंह ने, उनका जो है कि सपोर्ट करें। यही मेरा माझा पंचायत के जनता जनार्दन से आग्रह है। EVM पे नमूना जो होता है, एक अपने पोस्टर को दिखा के लोगों को समझाएंगे कितना पे चुनाव चिन्ह है, क्या है थोड़ा सा बताइएगा। 2 नंबर पे ढोलक छाप है। मैं जनता जनार्दन से, सभी भाई बहन से, सभी धर्म के लोगों से यही कहेंगे कि 2 नंबर पे ढोलक छाप पर इतना बटन दबाइए ताकि माला सिंह को काफ़ी से काफ़ी संख्या में जीतने का बधाई लोग दें। बहुत अच्छी बात है, जीतने के लिए हर कोई मन्नतें मांगता है, दुआएं मांगता है, लेकिन अगर
कोई विकास के नाम पे मन्नत मांगे तो अच्छा भी लगता है, काम कोई भी कराए लेकिन विकास होना चाहिए, जीते कोई भी विकास होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है विकास होता है, विकास होगा तभी पंचायत का भला होगा। यहाँ पे एक युवा भाई बैठे हुए हमारे साथ, पूर्व जिला अध्यक्ष, ये खुद बताएंगे किस पार्टी के नेता हैं और कितने मतलब जी जान से घूम रहे हैं इसके लिए, माला देवी के लिए, और सपोर्ट कर रहे हैं जीतने के बाद कितना विकास कराएंगे। स्वागत है हमारे चैनल में। पहला चीज की मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सबसे पहले की सिवान जिला में छोटा माझा अपवाद गांव है जिसकी चौहद्दी चार ब्लॉक से जुड़ता है। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी जिला के कोई भी गांव की चौहद्दी चार ब्लॉक से जुड़ा हो, लेकिन यहां जो मेरे मृत्युंजय सिंह जी हैं, जो सांसद प्रतिनिधि है, उनकी पत्नी माला सिंह जी जो चुनाव लड़ रही है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरे पंचायत में 6 गांव पड़ता है और 6 गांव में प्रयास है कि एक भी जाति विकास से वंचित ना हो और एक भी घर विकास से वंचित ना हो। अगर एक भी घर छूट जाता है, विकास से वंचित हो जाता है, उस पंचायत को मैं कभी नहीं मानता हूं कि विकास हुआ है। इसलिए प्रयास है कि छोटका माझा पंचायत के 6 गांव के 6 जाति का, मैंने सभी जातियों का एक एक घर का विकास ना छूटे और सभी का विकास हो जाए, यही एक सोच है। और इसी सपने के साथ मला सिंह आगे बढ़ रही है और उनके समर्थन में हम मजबूती से खड़े हैं। बिना कुछ कहे आपको बता दे, बिना कुछ कहे भाई ने सब कुछ कह दिया। यहाँ पे काफी लोग हैं, कैमरामैन से बोलूंगा तमाम लोगों को दिखाए एक बार, मैं बात करूंगा एक एक लोग से यहाँ पे कैसे आए हुए हैं और कितना प्यार सम्मान मिल रहा है। भैया आइए आगे, आप भी इधर आइए ना, चलिए जी। यहाँ पे काफी लोग हैं, बात करेंगे। आप माला देवी जी के समर्थन में बैठे हुए हैं, कैसा माहौल चल रहा है गांव में, कितना मतलब इनको समर्थन मिल रहा है? पूरा मिल रहा है यहाँ पर, गांव का पूरा टोली है, पूरा समर्थन इनको मिल रहा है। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। 12 तारीख को कहाँ वोट दीजिएगा? यही देंगे हम, निवासी देंगे नेताजी को। पहले जिसको वोट दिए थे वो काम नहीं कराया? नहीं कराया जी। कई सारे मुद्दे हैं आपको बोले कि यहाँ पे अगर सबसे बात किया जाए तो सब लोग शायद बात ना कर पाए। हमारे से एक चचा बैठे हैं, इनसे जानते हैं, कुछ कहना चाहेंगे माला देवी जी के बारे में आप? बहुत सुंदर से मतलब कि इनका विकास हो रहा है, हम लोग सब कुछ चाहते हैं कि माला देवी हमारे मुखिया बने, हमारे गांव का उत्सव बढ़े, विकास हो। क्या नाम है आपका? कई लोग थे आगामी आने वाले, बाबा बोलेंगे कुछ, बाबा से देखते हैं बाबा क्या कहते हैं माला जी के बारे में। बाबा क्या ख्याल है माला जी के बारे में आपका? माइक नहीं पकड़ रहा, बोलिए। माला जी तो बड़ी लिखी प्रत्याशी है और उनके पति जो है वो संसद प्रतिनिधि भी हैं और पंचायत को चलाने के लिए तो उसको हर तरह का राजनीति है। क्या नाम है बाबा आपका? संत विजय दास महाराज। आपका एज इतना है, गांव में काफी माहौल चेंज हुए होंगे, लेकिन आप जब इस टाइम देख रहे हैं कैसा माहौल फील हो रहा है? उनका माहौल तो एक नंबर में चल रहा है। खैर काफी चीजें हैं बताने के लिए, आगामी आने वाले 12 तारीख को जब इलेक्शन होगा पता लगेगा छोटका माझा पंचायत किसको अपना वोट देती है और किसको फुल बहुमत के साथ राज गद्दी पर बैठाती है, ताकि जो रुका हुआ विकास था उसे फिर से किया जाए और इस गांव में जो काम नहीं हुआ था शायद माला देवी जीती हैं तो काम होगा। आप देख रहे थे N20 लाइव, मेरे सहयोगी पंकज के साथ छोटका माझा से।